ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे करीम साहब के सामने जब रिफत बेगम का पोल खुलता है तो करीम साहब रिफत बेगम से कहते हैं, तुम इतना गिर सकती हो? रिफत बेगम, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, तुम तो रिमशा की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। लेकिन एक बात मेरी रिफत बेगम याद रखना, दूसरों को तकलीफ देने वाला कभी खुद भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए जो कुछ तुमने बीना के साथ किया, जाकर बीना से अपने किए की माफी मांगो। जिस पर रिफत बेगम कहती है, मैं उस बीना मनहूस से माफी मांगूं, उसकी आखिर औकात ही क्या है? जिस पर करीम साहब रिफत बेगम से कहते हैं, ये जो निहाल की हालत है, इसकी असल कसूरवार तुम हो। तुम जैसी माएं ही होती हैं जो बेटों का घर कभी आबाद नहीं रहने देती। तुम्हें तो सिर्फ रिमशा की खुशी अजीज थी, कभी सोचा है तुम्हारा अपना बेटा क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है? रिफत बेगम, जबरदस्ती से रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते। जिन रिश्तों में मोहब्बत ना हो वो रिश्ते कैसे कामयाब हो सकते हैं? ऐसे रिश्ते रेत की मानद होते हैं जो हवा के एक झोंके से बिखर जाते हैं। निहाल को जबरदस्ती रिमशा से शादी के लिए मजबूर ना करो, बल्कि निहाल को खुद फैसला करने दो वो आखिर क्या चाहता है। वो खुद अगर रिमशा से शादी के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना उसे जबरदस्ती मजबूर करके उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो।